बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और 10 मिनट 12 मिनट हम आपके दिए हुए टाइम से लेट हुए, उसके लिए माजरा। तो आज की मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी AICC जनरल सेक्रेटरी और आप सबकी जानी पहचानी अंबिका सोनी जी आपके साथ वार्तालाप करेंगे और इनके साथ AICC सेक्रेटरी डॉक्टर शकील और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्समैन रविंदर शर्मा जी है, वाइस प्रेसिडेंट जरूर जी साहब है, गोला राम जी है, बल्ला साहब है। मेरे ख्याल से वो पहले 10 मिनट का कंपनसेशन हम निकालेंगे, हम सीधे मैडम अंबिका सोनी जी को गुजारिश करेंगे कि वो आपके साथ सीधे वार्तालाप करें। अपनी बोल रही क्यों हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे मीर साहब ने कहा, हम क्षमा चाहते हैं कि लेट हो गए। हमने सुबह 10 बजे से प्रमुख नेता और लीडरदान और कार्यकर्ता जिला अध्यक्षों की मीटिंग में थे, हर एक से उनकी राय ली, उनके जिलों में कैसी परिस्थितियां हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की और आने वाले समय में हमें किस तरह का आंदोलन चलाना है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता उत्सुक हैं सारे हिंदुस्तान में एक आर्थिक मुद्दों पर आंदोलन छेड़ने के। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने हाल में ही कुछ वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण को बुलाया था, उनकी राय ली थी, उसके बाद जनरल सेक्रेटरीज और AICC के ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग लेकर हर स्टेट के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया था इकोनॉमिक मुद्दों को लेते हुए। और ये कार्यक्रम हम जिला स्तर पर, स्टेट के स्तर पर 5 से 15 या 16 तक करना चाहते हैं, सुविधा इनकी सुविधा के अनुसार एक ही दिन जिलों में होगा आंदोलन, वॉक, प्रोटेस्ट, मार्च, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इकोनॉमिक डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, जो फार्मर्स डिस्ट्रेस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो गिरती जा रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो गिरती जा रही है उसको लेकर, और एक और मुद्दा हमने सोचा था उठाने का, उठाएंगे, वो था रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट जो 16 मुल्कों के बीच में मोदी साहब ने फैसला किया था कि बैंकॉक में शेयर हस्ताक्षर हो, RCEP। हमने उसका बहुत सख्त शब्दों में विरोध भी किया। इन 4 इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर हम पूरे हिंदुस्तान में जिला स्तर पर, स्टेट स्तर लेवल पर और फिर दिसंबर के किसी दिन अभी निर्धारित नहीं हुआ ऑल इंडिया लेवल पर आंदोलन करें। मुझे खुशी होती है आज आपको बताने में कि हमारा प्रोग्राम बनते 2-4 दिन तो लगे और जिस तरह का रिएक्शन पूरे हिंदुस्तान में हम लोग मोबिलाइज कर सके RCEP के खिलाफ, उसका परिणाम तो ये हुआ कि मोदी जी ने खुद फैसला कर दिया कि हम RCEP पर दस्तखत हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अभी तो हमने सोचा ही था, शुरुआत थी, लेकिन इन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। इसी तरह हम सोचते हैं कि अगर हमने देश भर में बेरोजगारों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं 8.1% अनएम्प्लॉयमेंट के आज जो स्टेटिस्टिक्स सबके सामने आए हैं, इसके बारे में हर स्टेट को, हर जगह में, हर रीजन में पढ़े लिखों को जो स्किल्ड नहीं है, जो स्किल्ड हैं, जिनको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, उनकी बात उठाएंगे तो शायद मौजूदा गवर्नमेंट के काल में कुछ आवाज आएगी।
आईसीईपी के निर्णय के बाद हमारा उल्लास और बुलंद हुआ है कि अभी अपोजिशन मिलकर इन मुद्दों को उठाएगी तो हमारे को कामयाबी लोगों के फायदे के लिए जरूर मिलेगी। आप खुद जानते हैं कि इकोनॉमिक स्थिति बद से बदतर, ग्रोथ रेट कम, छोटे छोटे उदाहरण ले लीजिए, एयर ट्रैफिक में हवाई जहाज की कंपनियां तो कई खुल गई लेकिन पैसेंजर्स की कमी हो गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो गई, एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हो गई और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी जो हैं, जिन्होंने पहले कहा था कि हिंदुस्तान 5 मुल्कों में से एक है जो जिसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो अब गिराकर हमें 7वें या 8वें पोजीशन पर पहुंचा दिया। 5% जीडीपी की ग्रोथ कर दी और 5% का मतलब फुल इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत ज्यादा ग्लूमी है। तो हमने इन मुद्दों को लेकर एक पूरे देश में आंदोलन छेड़ने का प्रोग्राम बनाया है और शकील अहमद साहब जो बिहार से एमएलए हैं, मेरे सहयोगी हैं, को इंचार्ज हैं और मीर साहब के साथ बैठकर और सब सीनियर लीडर, ये मुला राम जी, सरूरी जी, रमन भल्ला जी, रविंद्र शर्मा जी और भी बहुत, ये तो यहाँ मौजूद हैं, मैं इनके नाम ले रही हूँ, बहुत से आज सुबह सब जिले के अध्यक्ष थे, फॉर्मर एमएलए थे, डिस्ट्रिक्ट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे, एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और भी बहुत सारे पुराने डिपार्टमेंटल हेड्स हमारे साथ थे जो स्टेट लेवल पर हमारे साथ सालों से काम करते आए हैं। आज सुबह उन्होंने भी मीटिंग में शिरकत की, दोपहर को हम सब लोग फिर मिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मकसद आज इन लोगों से पूछने के बाद कि हम स्टेट में, खास करके जम्मू कश्मीर रियासत में, जहां कुछ अलग ही परिस्थिति